वीआईटी कंप्यूटर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पावर पॉइंट में थ्री कलर का इंडियन व्हील कैसे बनाते हैं। चलिए सबसे पहले हम इसको डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं। इस तरह का, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें एनिमेशन कैसे लगाया है और इस सर्किट कैसे बनाया हुआ है। ये सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फाइल मेन्यू पे जाएंगे। फाइल मेन्यू पे जाने के बाद न्यू पर क्लिक करेंगे और न्यू पर क्लिक करने के बाद ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेंगे और यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपके सामने एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन अवेलेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको लेआउट पर क्लिक करना होगा। लेआउट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ब्लैंक पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे ब्लैंक प्रेजेंटेशन यानी बिल्कुल ब्लैंक यहाँ पे आपकी पेज हो चुका है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम तीन कलर करेंगे यानी स्लाइड का जो पेज है हमारा यहाँ पे हम तीन कलर करेंगे। यहाँ तीन कलर करने के लिए हम डिज़ाइन पे जाएंगे। डिज़ाइन पे जाने के बाद यहाँ पे हम बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे और बैकग्राउंड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम फॉर्मेट बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे यहाँ पर, और उसके बाद हम यहाँ पे ग्रेडियंट फिल पर क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे सामने एक ग्रेडियंट फिल जो है आ गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे सामने यहाँ पे फोर स्टॉप्स दिख रहे हैं। इन फोर स्टॉप्स में हमें केवल थ्री ही स्टॉप्स लेने हैं। अगर कोई स्टॉप्स को आप रिमूव करना चाहते हैं तो उस स्टॉप पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर रिमूव पर क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्टॉप है वो रिमूव हो गया। अब यहाँ पे केवल तीन ही स्टॉप्स बचे हुए हैं। अब इनको हमने यहाँ पर इस वाले स्टॉप को क्लिक किया और इसको हमने कलर्स यहाँ पर ऑरेंज कलर जो आपका है वो हमने यहाँ पे दे दिया इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे हमने इस वाले बीच वाले स्टॉप्स को हमने व्हाइट कलर दे दिया इस तरह से, और जो लास्ट वाला जो हमारे पास बचा हुआ है इसको हम ग्रीन कलर दे देते हैं इस तरह से। तो आप देख सकते हैं हमारे स्लाइड पर थ्री कलर्स हो गए हैं। इतना करने के बाद अब हमें यहाँ पर एक सर्कल ड्रा करना है। तो सर्कल बनाने के लिए हम यहाँ पे इंसर्ट मेन्यू पे जाएंगे और यहाँ पे सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम जो है डोनट्स नाम का जो डोनट आपको दिख रहा है यहाँ पे डोनट्स ले लेंगे। ये आपको माइक्रोसॉफ्ट के हर वर्जन में अवेलेबल होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद शिफ्ट के साथ आप माउस को ड्रा कर देंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको ये बिल्कुल सर्किल यानी गोल सर्किल बनाने के लिए बिल्कुल, तो आपको यहाँ पर शिफ्ट की का इस्तेमाल करना होगा और उसके बाद इस पॉइंट को हमने अपनी जरूरत के हिसाब से यहाँ पर खींच दिया इस तरह से। अब इसमें अगर मुझे कलर करना है यहाँ पर, अगर मुझे कलर करना है तो इस पर कलर करने के लिए आपको सेव पर क्लिक करना होगा, फॉर्मेट पर क्लिक करना होगा, सेव फिल पर क्लिक करना होगा, ग्रेडियंट फिल पर क्लिक करना होगा और मोर ग्रेडियंट फिल पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ग्रेडियंट फिल पर क्लिक करना होगा, ये देख सकते हैं। तो आपके जो कलर्स आपने पहले वहाँ पर कलर दिए थे वही कलर्स यहाँ पे भी अवेलेबल हो जाएंगे इस तरह से। अब लाइन कलर को आपको ब्लैक करना है लाइन कलर्स को, तो इसी वाले विजार्ड में आपको लाइन कलर्स यहाँ पे मिल जाएगा और यहाँ पर आपको एक ब्लैक लाइन यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से। और उसके बाद यहीं पर यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये, अब इसको मुझे 3D शेप में देना है या मुझे यहाँ पे सर्किल कुछ बनाना है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मुझे, अब यहाँ पे मुझे 24 तीलियां बनानी हैं। तो आप देखेंगे हम यहाँ पर इंसर्ट पे क्लिक कर दिया। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम जाएंगे सेव पर क्लिक करेंगे यानी 24 पॉइंट स्टार पर हमने क्लिक कर दिया, ये देखिए, और उसको भी हमने यहाँ से ड्रॉ कर लिया। इस तरह से, और उसके बाद ये जो येलो बटन आपको दिख रहा है यहां से माउस बटन को दबाने के बाद हम यहाँ पे इसको अपनी जरूरत के हिसाब से खींच लेंगे इस तरह से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपने जो स्टार्स बनाया हुआ है इसके जो बाहर आपको ये जो तीलियां हैं बाहर जा रही हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप इस सेव पर क्लिक करेंगे और फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे और सेंड टू बैकवर्ड पर क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो जो स्टार है वो अब हमारा इस सर्कल के पीछे हो गया है। अब हमें दोनों को ग्रुप कर देना है। सबसे पहले हम इसको यानी इस वाले स्टार्स को हमने सेलेक्ट कर लिया और कंट्रोल दबाया कीबोर्ड में, और कीबोर्ड से हमने यहाँ पर इस वाले शेप को क्लिक कर दिया।
अब दोनों हमारे एक साथ सेलेक्ट हो गए हैं। अब सेलेक्ट होने के बाद फॉर्मेट पे जाएंगे और यहाँ पर ग्रुप पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए इस तरह से देख सकते हैं आप कि हमारा ये जो सर्किल है वो बन के तैयार हो गया है। अभी ये किसी प्रकार का एनिमेशन नहीं कर रहा है, यानी इस तरह से रोटेटिंग नहीं हो रहा है। रोटेटिंग करने के लिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसको 3D फॉर्मेट में हमें कन्वर्ट करना है, 3D फॉर्मेट में इस शेप को। तो फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे शेप इफेक्ट पर जाएंगे और यहाँ पर 3D रोटेशन पे क्लिक करेंगे। 3D रोटेशन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे 3D फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हमने रिलैक्स्ड इंसेट पर क्लिक करेंगे और बॉटम पर भी रिलैक्स इंसेट पर क्लिक करेंगे इस तरह से। और यहाँ पे उसके बाद हम यहाँ पर इसको अपनी जरूरत के हिसाब से शेप दे देंगे। हमने अपनी जरूरत के हिसाब जितना भी आप देना चाहें वो शेप, जितना भी आप पॉइंट बढ़ाएंगे वो बिल्कुल सर्किल में भी हो जाएगा इस तरह से। तो ये व्हील्स अब यहाँ पे बनके कंप्लीट हो गया है। अगर यहाँ पे वार्म मैट लगा रहे हैं तो आप यहाँ पे मैट का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है आपको कलर्स के बारे में यहाँ पे पता चल जाएगा। तो आप यहाँ पे मटेरियल भी यहाँ पे दे सकते हैं अच्छा सा। तो यहाँ पे आप स्टैंडर्ड मटेरियल जितना भी आप देना चाहें तो इस तरह से यहाँ पे दे सकते हैं शाइनिंग का। तो ये हमारा यहाँ पे व्हील्स जो है कंप्लीट हो गया है। अभी हम इसको रोटेट करेंगे। तो अब हम इंसर्ट मेनू पे जाएंगे, यानी यहाँ पर मुझे एक रेक्टेंगल लेना है। इंसर्ट मेनू पे जाएंगे और यहाँ पर हमने रेक्टेंगल शेप ले लिया। इस तरह से। और उसके बाद हमें इसको भी इसी कलर्स में, यानी 3 कलर्स में हमको, ट्राई कलर्स में हमको इसको कलर करना है। इसका फॉर्मेट पे जाएंगे, सेव फिल पे जाएंगे, ग्रेडियंट फिल पे जाएंगे, मोर ग्रेडियंट पे क्लिक करेंगे, ग्रेडियंट फिल पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर 3 व्हील्स जो 3 ट्राई कलर्स यहाँ पे हो गया है। और लाइन कलर्स को आपको यहाँ पे नो लाइन करना है तो नो लाइन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइन जो है वो अब बाहर की जो आउटलाइन है वो आपको यहाँ से गायब हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसको भी 3D में हमें कन्वर्ट करना है। तो बस सेम पैटर्न वहीं पे जो अभी तक स्टेप आप फॉलो करते आए हैं उसी स्टेप को यहाँ पे फॉलो करना है। यहाँ पर शेप इफेक्ट पर जाएंगे, 3D रोटेशन पे क्लिक करेंगे, 3D रोटेशन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और 3D फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। ये देखिए और यहाँ पे हमने 3D देखिए और यहाँ पे हमने इसको 3D में हमने कन्वर्ट कर दिया। अपनी जरूरत के हिसाब से जितना चाहे उतना आप यहाँ पे ले सकते हैं और यहाँ पे ओके कर दिया। अब यहाँ पे मुझे आई लव माई इंडिया लिखना है तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, वर्ड आर्ट पे जाएंगे और यहाँ पे वर्ड आर्ट ले लेंगे और उसके बाद यहाँ पे आए इस वाले जो टेक्स्ट को हमने यहाँ पर अपनी जरूरत के हिसाब से यहाँ पे हमने कलर्स करना है। देखिए ये सेलेक्ट कर लिया हमने, सबसे पहले आपने इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पे जाएंगे और फॉर्मेट पे जाने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट फिल आर ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे। अब टेक्स्ट फिल करेंगे और यहाँ पे ग्रेडियंट पे जाएंगे और मोर ग्रेडियंट ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे आप भी वही कलर सेम अप्लाई करेंगे। तो ग्रेडियंट फिल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है स्टॉप्स, इनको आपको यहाँ से हटाना होगा। ये देखिए और यहाँ से भी हमने सेम कलर्स को कर दिया। देखिए ये हमारा कलर्स यहाँ पे अवेलेबल हो गया है। अब इस टेक्स्ट को हम रेक्टेंगल के ऊपर रख देंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इन दोनों को, इस ऑब्जेक्ट को और इस ऑब्जेक्ट को हमने कंट्रोल की सहायता से दोनों को एक साथ सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पे जाने के बाद ग्रुप पर क्लिक कर दिया। देखिए यहाँ पे और ग्रुप पर क्लिक करने के बाद अब हम एनिमेशन का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एनिमेशन को लगाने के लिए यहाँ पे एनिमेशन लगाना है। तो सबसे पहले हम इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम एनिमेशन टैब पर जाएंगे। एनिमेशन टैब पर जाने के बाद यहाँ पे ऐड एनिमेशन पे क्लिक करेंगे और मोर मोशन पाथ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लेफ्ट पर क्लिक करेंगे। देखिए इस तरह से। तो अब एनिमेशन हम चाहते हैं कि ये रिपीट भी होता रहे और काफी दूर तक जारी रहे, तो इसके लिए हमने यहाँ पर टेक्स्ट पर क्लिक कर दिया और टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहां से हमने इसको ड्रा कर दिया
और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे, जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे क्लिक होने पर ये यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, जो हमारा यहाँ पे एनिमेशन जो है वो क्लिक होने पर स्टार्ट हो रहा है। अब हम चाहते हैं कि ये क्लिक होने पर ना स्टार्ट हो, यहाँ पे विद प्रीवियस हो, तो इसके लिए हम देखिए यहाँ पर विद प्रीवियस स्टार्ट करते हैं। तो अब हमें माउस की जरूरत नहीं है, यानी हमें हर बार को माउस को क्लिक नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ये एनिमेशन यहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके लिए हम इस वाले एनिमेशन एरो को सेलेक्ट करेंगे और हम इसको पीछे से ड्रा करेंगे यहां से, और यहां से ये देखिए, और ये काफी तेजी से जा रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं बहुत स्लोली ये जो है सर्किल जाए, तो इसके लिए हम यहां पर क्लिक करेंगे और एनिमेशन टैब पर जाएंगे और यहां पर ड्यूरेशन इसकी हम कम कर देंगे इस तरह से। तो आप देखेंगे इजिली बहुत स्लोली हम क्या करेंगे, ये बहुत स्मूथ से स्टार्ट होता है इस वाले एनिमेशन पेन पे, यानी ये जो एनिमेशन यहाँ पे पेन आपको दिख रहा था, ये एनिमेशन पेन यहां से ओपन कर लेंगे और उसके बाद यहां से हम लिस्ट पर क्लिक करेंगे और इफेक्ट ऑप्शन पर जाएंगे और यहां से हम स्मूथ स्टार्ट को और स्मूथ एंड को हमने बंद कर दिया। ओके ये थी। इस तरह से अब हम इस व्हील को भी हम स्पिन कराएंगे। स्पिन करने के लिए हम सबसे पहले यहां पर ऑब्जेक्ट पर सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद एनिमेशन टैब पे जाएंगे और एनिमेशन टैब पे जाने के बाद हम यहां पर स्पिन का ऑप्शन यहां पे चुन लेंगे। देखिए यहां पे आप देख सकते हैं, और स्पिन पे क्लिक करने के बाद ये हमने स्पिन क्लिक कर दिया है और इसकी टाइमिंग भी हमने यहाँ पे विद प्रीवियस लगा लिया और इसकी टाइमिंग हमने यहाँ पर 6.75 का ऑप्शन दे दिया। अब आप देखेंगे इस तरह से यहां पे देखिए ये बहुत इजीली स्पिन हो रहा है, तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, ये देखिए अब हम चाहते हैं यहां से ये स्पिन करता हुआ यहां तक मूव कर जाए, तो इसके लिए हम यहां पर एनिमेशन पर क्लिक करेंगे और ऐड एनिमेशन पे जाएंगे और मोर मोशन पास पर क्लिक करेंगे और यहां पर हमने राइट पर क्लिक कर दिया और देखेंगे ये देखिए यहां तक। तो अब आप देखेंगे ये यहां पर हमने क्लिक करने के बाद यहां पे विद प्रीवियस को यूज कर लिया। अब आप देखेंगे इस तरह से देखिए देखिए ये केवल यही तक ही जा पाया है, तो इसके लिए हमने इसको भी यहां से सीधा सा बहुत दूर तक खींच दिया ये देखिए, और इसको यहां से हमने यहां पर आप प्ले करेंगे तो देखिए ये काफी स्पीड में यहां से मूव हो गया है, तो अब हम चाहते हैं कि इसकी स्पीड को काफी स्लो कर दें, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहां पर आप देखेंगे ये एनिमेशन पेन पे, तो स्पीड यहां पर इफेक्ट ऑप्शन पे जाएंगे और टाइमिंग पर यहां पे वेरी स्लो कर दिया। ओके ये देख रहे अब यहाँ पे आप रिव्यू करके देखेंगे तो आप देखेंगे ये देखिए इस तरह से व्हील यहाँ पे मूवमेंट्स स्टार्ट कर दिया है। आई होप ये वीडियो आप सभी को काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को कैसे लगी कृपया हमें ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में नोटिफिकेशन आइकन है उसको दबाना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।